प्रशासन के लाख निर्देशों के बाद भी शहर की सड़कों पर नजर आते ही सिर्फ गड्ढे। शहर की समस्याओं को नज़रअंदाज कर प्रशासन कर रहा है बड़ा हादसे का इंतजार। एक तरफ जहां जिला प्रशासन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लाख दावे करता है, वहीं आज शहर का प्रत्येक नागरिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन कर रहा है। आज हालत यह बने हुए है कि शहर में कहीं पेयजल समस्या बनी हुई है तो कहीं सड़क की समस्या बनी हुई है। इन सभी समस्याओं से परेशान क्षेत्रवासी संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित करवाते हैं तो उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिलते हैं, समस्या का समाधान नहीं। आज शहर के प्रत्येक सड़कों पर बने गड्ढे लोगों को यमराज के रूप में नज़र आ रहे हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। भिवाणी शहर का जो सर्कुलर रोड है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को हम बार बार लेटर के द्वारा अवगत करा चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भिवाणी के जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं और यहाँ का जो MLA है उसकी नींद ही नहीं खुल रही है। हमने बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से इनको अवगत कराया कि भिवाणी का जो सर्कुलर रोड है वो टूटा हुआ है, आप इसकी तरफ ध्यान दें, लेकिन लगता है कि जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनको केवल तनख्वाह लेने की पड़ी हुई है। उनको ऐसा नहीं लगता कि भिवाणी शहर के अंदर जो टूटी सड़कें हैं उनको दिखाई नहीं देती। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जितने भी सर्कुलर रोड हैं, जितने भी खड्डे हैं उनको भरा जाए, क्योंकि इन खड्डों के कारण दुर्घटना होने की संभावना है।